नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम डेट और सुपरवाइज़र वुमेन सुपरवाइज़र की एग्ज़ाम डेट को लेकर। काफ़ी समय से विद्यार्थियों के कमेंट्स थे कि इन दो भर्तियों की एग्ज़ाम को डेट को लेकर कि कब तक इनका एग्ज़ाम होना, एक्सपेक्टेड डेट क्या रहेगी, कब तक एग्ज़ाम संभावित है। तो हम इस वीडियो में इन दो भर्तियों की एक्सपेक्टेड संभावित तिथि ही इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी विद्यार्थियों का ये सवाल रहा है, काफ़ी कमेंट्स इन दोनों भर्तियों की एग्ज़ाम डेट को हम मिले हैं। तो दो उदाहरणों के साथ मैं आपको काफ़ी हद तक आपका ये डाउट क्लियर करने वाला हूँ। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अभी तक ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है कि लैब असिस्टेंट की एग्ज़ाम डेट घोषित हो गई हो, और इसी तरह से वुमेन सुपरवाइज़र पर भी ये अप्लाई होता है। तो दोनों भर्तियों की अभी तक ऑफिशियल एग्ज़ाम डेट घोषित नहीं हुई है, लेकिन हम इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी कुछ आइडिया लग जाएगा कि कब तक इन दोनों भर्तियों का एग्ज़ाम संभावित है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, पहले हम कुछ जानकारी आपको देते हैं, जिस बिहा पे मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ तो उसी से आपको इस बात पर भरोसा भी होगा और काफ़ी हद तक आप इससे संतुष्ट भी होंगे। तो ये राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल ये वेबसाइट है। तो आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि कल एग्ज़ाम हुआ था राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का, पीटीआई भर्ती परीक्षा 2018, जो कि 30 सितंबर को ये एग्ज़ाम हुआ। और इसी के साथ जो अपकमिंग एग्ज़ाम है वो 21 अक्टूबर को एग्ज़ाम है पशुधन सहायक का, आप सभी को इस बारे में जानकारी होगी। तो अधीनस्थ बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट को अगर आप विजिट करेंगे तो इसके प्रेस नोट वाले सेक्शन में आप देखेंगे कि जो पीटीआई भर्ती की एग्ज़ाम डेट कौन सी डेट को इन्होंने घोषित की है। तो यहाँ हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं इस बॉक्स में आप देख सकते हैं पीटीआई 2018 एग्ज़ाम डेट फॉर पीटीआई ग्रेड थर्ड एग्ज़ाम 2018, यानी 5 सितंबर को ये एग्ज़ाम डेट इन्होंने घोषित की है और एग्ज़ाम लिया है 30 सितंबर को, कल एग्ज़ाम हुआ है इसका। तो यहाँ पर आप दोनों के बीच का अंतराल आप देख सकते हैं, 25 दिन का यहाँ पर गैप रखा गया है। इसके बाद एक और उदाहरण को हम देखते हैं, इसी के साथ आप सभी को पता है कि पशुधन सहायक का एग्ज़ाम 21 अक्टूबर को होने वाला है और इसकी एग्ज़ाम डेट कब घोषित की गई है, यहाँ आप देख सकते हैं LSA यानी लाइव स्टॉक असिस्टेंट 2018, इसकी एग्ज़ाम डेट घोषित की गई है 24 सितंबर, यहाँ आप देख सकते हैं ये 24 सितंबर, यहाँ आप देख सकते हैं एग्ज़ाम की डेट ये रही और एग्ज़ाम है 21 अक्टूबर को। तो यहाँ पर लगभग 1 महीने का यहाँ पर गैप है। तो मैं आपको यही क्लियर करने वाला हूँ कि काफ़ी विद्यार्थियों के एग्ज़ाम डेट को लेकर सवाल थे कि कब तक एग्ज़ाम डेट पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम दोनों भर्तियों की बात करते हैं कि इनका एग्ज़ाम अक्टूबर में हो सकता है या नहीं। लाइव स्टॉक, सॉरी, वुमेन सुपरवाइज़र और लैब असिस्टेंट, तो अक्टूबर में दोनों भर्तियों का एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं है और एग्ज़ाम डेट के बीच में आप गैप आप मान के चलिए कि 30 दिन पहले एग्ज़ाम की डेट घोषित की जाएगी, 30 नहीं तो 25 दिन का अंतराल तो ज़रूर रहेगा। दो उदाहरण पर हमने डिस्कशन किया है, अभी ऑफिशियल प्रूफ है, आप वेबसाइट पर विजिट करके भी आप देख सकते हैं। तो कम से कम 25 दिन का यहाँ पर आपको अंतराल मिलेगा एग्ज़ाम डेट और डेट डिक्लेयर करने की डेट से। तो अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, नवंबर में आपका फर्स्ट वीक को आप हटा दीजिए, फर्स्ट वीक के बाद कभी भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है। उसके बाद आपका सवाल होगा कि पहले कौन सा एग्ज़ाम होगा, लेब असिस्टेंट हो सकता है या वुमेन सुपरवाइज़र हो सकता है। तो दोस्तों इस बारे में कोई क्लियर नहीं है कि पहले कौन सा होगा, वो बोर्ड के ऊपर है किस प्रकार बोर्ड की व्यवस्था रहती है, कितने विद्यार्थियों ने भर्तियों में आवेदन किए हैं। तो बोर्ड हो सकता है पहले ज़्यादा स्टूडेंट्स वाली भर्ती का एग्ज़ाम पहले ले ले, या हो सकता है उसे बाद में रख सकता है।
लेकिन आप ये मान के चलिए अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, अक्टूबर और नवंबर के फर्स्ट वीक तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, उसके बाद ये एग्ज़ाम दोनों में से कोई भी एग्ज़ाम हो सकता है नवंबर में, और आप नवंबर को ही मानकर चलें, दिसंबर तक ना जाएं, क्योंकि आरपीएससी का काम थोड़ा स्लो है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अधीनस्थ बोर्ड का काम थोड़ा फास्ट है, ये जो डेट देता है उस पर एग्ज़ाम लेता है, अब तक का इसका इतिहास आप देख सकते हैं। तो आप सभी मेरी इस जानकारी से काफ़ी हद तक संतुष्ट होंगे, फिर भी आपका कोई सवाल है इस बारे में, आप कुछ अपनी राय देना चाहते हैं, सजेशंस देना चाहते हैं, तो कमेंट्स करके आप बताएं कि इस बारे में आपके क्या विचार हैं, कब तक एग्ज़ाम डेट पॉसिबल है। तो यही आज की इस वीडियो का हमारा मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि काफ़ी समय से विद्यार्थियों के रोज़ इसी बात पर कमेंट्स मिलते हैं, तो मुझे लगा एक बार ये जानकारी आपके साथ शेयर करनी चाहिए ताकि आपकी थोड़ी हेल्प हो सके। तो अक्टूबर को आप हटा दीजिए, नवंबर के फर्स्ट वीक को आप हटा दीजिए, लेकिन उसके बाद आपका एग्ज़ाम हो सकता है, इसी को टारगेट लेकर इसी समय अंतराल के बीच में आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें कि हमें नवंबर तक हमारा कोर्स पूरा करना है, बेस्ट आपको प्रिपरेशन करनी जिससे आपका स्कोर अच्छा रहे एग्ज़ाम में। दिसंबर का टारगेट लेकर आप एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करें, क्योंकि डेट आ गई तो फिर चेंज नहीं होगी, फिर हमें पछताना पड़ता है, तो आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और प्लीज़ आपकी जो भी व्यक्तिगत राय हो प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर शेयर करें, और राजस्थान वैकेंसी से जुड़े हुए रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। धन्यवाद।